अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कलर्स के साथ। तो क्या आप लोग एग्री करते हैं मेरी बात से? थैंक यू सो मच। इस दौरान हम लोग एक दूसरे की सपोर्ट बनेंगे, अपने लालच छोड़ के थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे। अभी सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं येलो कलर लेते हैं। चलो ये देखिए कितनी फ्रीडम से काम कर रहा हूं मैं, तो कहीं भी कोई टेंशन नहीं है। अभी साथ साथ थोड़ा थोड़ा ग्रीन ऐड करते हैं, ऑकर ऐड करते हैं। और इसमें एक चीज और ध्यान रखनी, कलर कोशिश करना कि काफी हद तक ट्रांसपेरेंट रहे, कलर मतलब थिक ना हो पाए। इसकी ट्रांसपेरेंसी ही इसकी ब्यूटी है। सॉरी, कॉफी पीने की आवाज भी आएगी आप लोगों को। पेपर ब्रूस्टर का यूज कर रहा हूँ, ड्राइंग पेपर इनका आता है बड़ा अच्छा, तो मैं कल से 3 बार यूज कर चुका हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। इस पे कलर बड़े अच्छे चलते हैं। हमेशा मैं आपको ये कहता हूँ कि ये कलर ना मतलब सस्ते यूज करें कलर पेपर, अब भी वैसे मैं कहता हूँ, पर वो बिगिनर्स के लिए। जब आप ड्राइविंग सीख जाते हैं तो आप अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं। तो अभी मैं आज मुझे लगता है ड्राइविंग सीख गया हूँ, तब मैं थोड़ा सा ब्रांडेड कलर यूज कर रहा हूँ। इनकी खासियत है इनकी वाइब्रेंसी बड़ी होती है, कलर्स की बड़े वाइब्रेंट कलर है ये। मेरी इंग्लिश कहीं गलत हो सकती है तो आप लोग हंस सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये देखिए मैं पूरा ट्रांसपेरेंट कलर यूज कर रहा हूँ। ये हॉट प्रेस्ड, इसलिए टेक्सचर नहीं है इसमें। ये ड्राइंग पेपर है बेसिकली, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है इस पे। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कलर की वाइब्रेंसी। तो ये कलर तो कैमरा भी नहीं उठा पाता जल्दी। ब्रश ये तो मेरे पास कोई बिना नाम के ही है कोई, तो मॉप ब्रश, पर अदरवाइज आप यूज कर सकते हैं ब्रूस्टर का, ये बड़ा अच्छा है। पिछली बार जिनको भी रिकमेंड किया उनके मुझे मैसेज आए कि सर बड़ा अच्छा लगा। ये मैं ब्राइट ओपेरा कलर यूज कर रहा हूँ। तो मिशन गोल्ड भी अगर कभी ट्राई करेंगे तो ए लूज शेड भी मिल जाते हैं, ये मैंने लिए थे आर्ट लाउंज से, बॉम्बे में है इनका स्टोर, तो ऑनलाइन भी मिलते हैं। तो अभी अपने आर्ट को भी अच्छे से एंजॉय करें, अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, और सबसे जरूरी चीज एक दूसरे के साथ प्यार से चलें, मिलजुल के चलें। इस वक्त हमें लोगों को बचाना है पैसे से भी ज्यादा। कल मुझे एक बात बड़ी तस्वीर की अच्छी लगी कि कहता मेहनत करने वाले भी इतना पैसा सड़कों पे लेके घूम रहे हैं अपने फैमिलीज को बचाने के लिए, तो उनको जो लूटने वाले हैं तो वो कैसे सरवाइव करेंगे आगे जाके। तो खुशी करें, मेहनत करने वालों को आप थोड़ा सा सपोर्ट करें। इस दौर में अगर हम लोग संभल गए एक दूसरे के साथ तो इंसानियत जिंदा बची रहेगी। मुझे पता है आप लोगों को कहीं ये लग रही होंगे पेंटिंग में ये कैसी बातें कर रहा हूँ मैं, पर सॉरी मैं कल से काफी इमोशनल हूँ इस मामले में। कल जब मुझे 2-3 लोगों के बारे में पता चला कि उनकी शॉप्स बंद हो गई हैं या हमारे कोई
मैं कहीं से खाना खाता था तो उनका रेस्टोरेंट बंद हो गया, तो किराया नहीं निकल रहा था। प्लीज कोशिश करें, अगर किसी की दुकानदारी बचा सकते हैं तो हेल्प करें। तो ये देखिए मैं कई कलर लगा रहा हूँ इसमें, सॉरी मैं बीच से अपने टॉपिक से हट जाता हूँ। तो आर्टिस्ट होते ही हैं थोड़े से इमोशनल, तो आप लोग आई होप अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज को। ये देखिए अब मैंने दूसरे ब्रश से करूं, ये देखिए कितना इजी है और मैं बिल्कुल टेंशन ही नहीं ले रहा कहाँ पे कलर कौन से जा रहे हैं। तो पहले इतने से कलर को हम सुखाते हैं ड्रायर से जल्दी, इसकी आवाज आएगी आपको शोर। ये मिशन गोल्ड के यूज कर रहा हूँ मैं, तो ये बड़ा स्पेशल कलर है, मेरा फेवरेट है ये ब्राइट ओपेरा। मैंने शायद आप लोगों को पिछली बार भी बताया था, हमेशा ही बताता हूँ, मैं कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो मैं खुद ना यूज करता हूँ आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। कई बार क्या होता है हम लोग जैसे क्रीम वाले लोग रहते हैं कि हाँ क्रीम मैं आपको दिखा दी, खुद यूज ही नहीं की कभी, तो मैं ऐसा नहीं। अभी आपके सामने वो प्रोडक्ट सारे यूज कर रहा हूँ, मुझे प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करने, मुझे अच्छे प्रोडक्ट लाने हैं, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी थी अच्छा मटेरियल ढूंढने के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारे पैच पड़ गए, पर मैं जानबूझ के इसमें पैच डाल रहा हूँ। शीट ब्रोस्ट्रो भी यूज कर रहा हूँ, ड्राइंग शीट। तो कलर लाइट दिख रहे हैं, यहाँ कलर थोड़े लाइट दिख रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, इसलिए अभी शायद आपको अच्छे से नजर आएगा। आई होप आप बेटर होगा व्यू। तो अब ठीक है, तो अब मैं ब्राइट ओपेरा में थोड़ा सा दूसरा रेड यूज कर रहा हूँ मैं। ताकि फ्लावर्स के अंदर डेप्थ दिखा सकें। थोड़े से फ्लावर हम छत के ऊपर ले आते हैं घर की। थोड़ा ग्रीन और ब्लू पैलेट विजिबल करूंगा, तो ये देखिए फिर ना, और ये देखिए आपको सूट नहीं करेगा ये एंगल। गलती आई ये होगी कि मैंने बोर्ड डार्क ले लिया, तो उसकी वजह से ना कलर लाइट हो रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कलर्स के बारे में आपको। बट मैं एक काम करूंगा, मैं YouTube पे वीडियो डालूंगा, क्योंकि मैं दूसरे DSLR से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये YouTube पे डाल दूंगा मैं जल्दी ही, तो वहां से आपको सारे इवन कलर्स के नाम तक पता चल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसमें कलर्स भी विजिबल होंगे, पैलेट भी। पिंक कलर की दवाई है।
ये पिंक कलर बना हुआ ही यूज कर रहा हूँ मैं, अदरवाइज आप क्रिम्सन से यूज बना सकते हो, क्रिम्सन में ज्यादा पानी यूज करके, क्रिम्सन लेक। तो आप लोग इवनिंग में भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ 5 बजे, तब भी मैं कोशिश करूंगा एक्रेलिक में एक डेमो करूं, तो आपको एक्रेलिक के कैनवस नए आए हैं उसके बारे में भी थोड़ी इंट्रोडक्शन हो जाएगी, और वो ऑयल में भी यूज हो जाते हैं। तो मेरे पास 8 दिन से वो कैनवस मैं यूज कर रहा हूँ, तो उसके बाद ही आज मैं लाइव होने जा रहा हूँ, क्योंकि तो मुझे पहले उसे परखना था। पोर्ट्रेट डेमो करेंगे, जल्दी करेंगे, आजकल पोर्ट्रेट में मैं थोड़े से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मुझे बस 2-4 दिन लगेंगे, थोड़ा सा नयापन लेके आ रहे हैं पोर्ट्रेट में भी, बहुत बूढ़े लोग बना लिए, थोड़े से यंग बनाने की कोशिश। कलर्स की खासियत यह है कि अगर आपने साथ में टच किया तो ये साथ ही गीले हो जाते हैं, बस इनके लिए आपको बहुत इनके ऊपर जोर नहीं लगाना पड़ता। देखो कोल्ड प्रेस होती है जो उसमें टेक्सचर होता है, जो हॉट प्रेस होती है उसमें टेक्सचर नहीं होता। हम अब डिमांड आपकी क्या है वो आपके ऊपर है कि आप किस सरफेस पे काम करना चाहते हैं। वाटर कलर जो नो प्राइस पे बेस्ट वाटर कलर दे रहे हैं, देखो वाटर कलर में बहुत सारे हैं। सबसे पहले लो प्राइस तो आपको पता ही कैमलिन ही है। अब बेस्ट की जर्नी तो आपको हमेशा करते ही रहना पड़ेगा, हम लोग कभी भी चीज चेंज क्यों करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ने के लिए। तो आपका कहाँ पे लेवल, कहाँ से, अगर स्टार्टर्स हैं तो आपको तो कैमलिन से स्टार्ट करना पड़ेगा, करना चाहिए। जैसे जैसे आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ होगी या आपका काम अच्छा हो गया है, फिर आगे फिर ब्रांड ट्राई करके देखें, फिर फर्क समझ आ जाएगा। जैसे हमेशा मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ड्राइविंग सीखते वक्त हम मारुति पे सीखते हैं, ऑल्टो पे सीखते हैं, जब हम सीख जाते हैं तो फिर हम लोग ब्रांडेड गाड़ियां लेते हैं सारी बड़ी बड़ी। ये देखिए फिगर भी आ गई। हाँ जी, किसकी, इसकी विदाउट रेफरेंस कर रहा हूँ मैं, इसके लिए क्या रेफरेंस, ये इतने 3600 बार बनाया ये, और ये कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। पेन एंड वॉश के लिए तो मैं 99 टाइम तो मैं इमेजिनेशन से काम करता हूँ, क्योंकि करते करते मैं आइडिया चेंज करता रहता हूँ। अभी मुझे मान लो पीछे कोई मंदिर दिखाना है तो कुछ नहीं करना, मैंने ऐसे किया, एक ऐसे लगाया, यहाँ पे एक मंदिर भी दिखा दिया मैंने। ये चीजें आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगी, इंप्रूव हो जाएंगी। तो इसमें अब हम जैसे ये शेडो डाल सकते हैं इस पे छत के ऊपर, इसमें मैं थोड़ा सा पर्पल कलर बना रहा हूँ। हाँ जी, ब्रश मैं ब्रुस्टो का यूज कर रहा हूँ, मॉप ब्रश, तो और कलर यूज करूं मैं मिशन गोल्ड, और पेपर यूज करूं ब्रुस्टो का ड्राइंग पेपर। यहां से किसी न किसी चीज की शेडो आ रही होगी वो बना लेते हैं। देखिए अभी हमारा बन गया, तो एक बार से
ड्राई करता हूँ मैं, फिर इसके ऊपर पेन चलाते हैं। थोड़ा सा कहीं पे ज्यादा पानी हो गया तो वो थोड़ा सा मैंने उठा दिया। ठीक है, आई होप आपको मंदिर दिखना शुरू हो गया होगा अभी। हाँ, इसमें यह है कि आप साथ साथ अगर कहीं कुछ ऐड करना चाहो तो, जैसे मैं यहाँ डेप्थ ऐड करनी चाह रहा हूँ तो आप कर सकते हो, ये पेन परमानेंट ही होते हैं। तो कि मैं दूसरा पेन यूज कर रहा हूँ, तो ये जो हट वाला एरिया मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा बोल्ड नजर आए, तो इसके लिए मैं 0.6 यूज कर रहा हूँ ब्रूस्टरों का ही। कलर यूज कर रहा हूँ मैं मिशन गोल्ड की है मैंने इसमें, सॉरी कर रहा हूँ अब तो कर चुके हैं। देखिए स्केचिंग जितनी आपने की होगी वो आपके यहाँ काम आती है। अब मेरे जो मैंने कॉलेज टाइम जो स्केच किए हैं, जो प्रैक्टिस की है, वो मेरे यहाँ बहुत ही ज्यादा काम आती है। पता नहीं, मुझे तो कभी फर्क नहीं लगा, मैं तो हमेशा ही ड्रायर यूज करता हूँ। बिना ड्रायर को तो मेरा पेंटिंग पूरी नहीं होती। थोड़ा बहुत होता होगा पर वो मेरे लिए मैटर नहीं करता, मैं खुश हूँ। मेरे कलर तो जैसे मुझे चाहिए होते हैं रहते हैं वैसे। तो आप लोग प्लीज, मेरी एक बात जो मैंने अभी बोली थी आपको लोगों के साथ थोड़ा लीनिट होने के लिए, तो उसके ऊपर जरूर एक बार गौर करना। अगर एक भी इंसान किसी के साथ ऐसे आज से कुछ थोड़ा सा लीनिट होके चलेगा अपने किराएदार के साथ, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे यहाँ चलो बोलना, गाइड करना हेल्पफुल रहा। कोशिश करें किसी का बिजनेस ठप ना हो, फिर मैं बार बार अपील करूँ आपसे। लोग बड़े अफेक्टेड हैं, तब उनके लिए एक अच्छा सर। मेरा कॉलेज था चंडीगढ़ में, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट, सेक्टर 10 में है। तो अपना ध्यान रखें, इस वक्त कोशिश करें घर से निकलने के बजाय घर पे बैठ के फैमिली के साथ एंजॉय करें, पेंटिंग करें। बहुत सारे टीवी के प्रोग्राम रहते होंगे आपके देखने वाले, वो देख लें, सोचा होगा कभी देखेंगे, देखेंगे। मैं जॉब, मैं बातें करता हूँ, पेंटिंग करता हूँ, टीवी देखता हूँ।
यही मेरी जॉब है, मैं फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ बेसिकली। चलो मस्ती तो होती रहेगी साथ में। तो वाटर कलर पेंटिंग को प्रोटेक्ट करने की जरूरत ही नहीं, वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड होती है, बस अच्छे से फ्रेम करवाएं ग्लास वाला। पानी ना लगने दें उसके ऊपर बस। कैसा लग रहा है आप लोगों को ये पेन? ब्रूस्टरों का है, देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। अभी इतना करने के बाद भी अगर आप चाहो कि आपके अंदर कोई दिमाग में रह गया है कि हमने कुछ और भी करना, तो आप कर सकते हैं इसके बाद भी। जैसे अब मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ और टोन्स ऐड करनी है, करते हैं, कोई नहीं रोकने वाला अपने। कैसे लग रहा है आप लोगों का, आप साथ साथ बताइए, फीडबैक भी दीजिए, हेल्पफुल है वीडियो आपके लिए तो ये YouTube पे मिल जाएगा आपको कल तक। चलो आज एक और कोटेशन आपके साथ शेयर करता हूँ जो मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो पत्थर, तो दुनिया में सबको पड़ते हैं, मतलब क्रिटिसिज्म तो सबको मिलता है। अब वहां पे रिएक्शन दो तरह का होता है लोगों का, एक पत्थर मारने वालों के साथ उनके जैसे होके वापिस पत्थर उठा के मारना शुरू कर देते हैं, एक तो ये कैटेगरी होती है। और दूसरी एक और होती है, वो क्या करती है, उन्हीं पत्थरों को इकट्ठा करके एक वॉल खड़ी कर लेती है, तो पीछे पीछे अपने काम में बिजी रहती है, चलती रहती है। तो ये जो सेकंड वाली स्टेज है वो बहुत अच्छी है, आप प्रोटेक्टेड भी रहोगे और पत्थर इकट्ठे भी नहीं करने पड़े वॉल बनाने के लिए, आप अपने आप को सेफ भी फील करेंगे और आप जर्नी भी आपकी अच्छी होगी, और लोग एक दिन मान जाएंगे कि नहीं यार इस बंदे ने किसी की परवाह नहीं की फिर भी निकल गया इतना कुछ होने के बावजूद। तो कोशिश करें, क्रिटिसिज्म से बचा तो नहीं जा सकता, और उसके अगेंस्ट अपने काम को और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, यही एक अच्छा रास्ता है आगे निकलने का। तो आई होप आप लोगों को ये देख के मजा आया होगा। तो अब सिग्नेचर रह गए हैं, मेरे को कुछ मिसिंग है, बर्ड्स रह गए हैं, सूखा ट्री आप लोगों ने बताया ही नहीं मुझे यार, कमाल आप लोग अपनी धुन में मस्त हैं। देखा आज भुला दिया आप लोगों ने मुझे सूखा ट्री, कितनी बात नहीं करते हैं। सूखा ट्री लगाना कहाँ, ये भूल गया मैं, चलो यहां से निकालते हैं फिर। तो लाइनर ब्रश लेते हैं भाई, ये लाइनर ब्रश, ये भी ब्रूस्ट हो गया है, इससे पहले कि आप पूछे तो पहले बताया था। हो गया हमारा वर्क, सिग्नेचर करते हैं हम, कहाँ करें, यहाँ करें। हो
अभी मैं 2-4 मिनट अवेलेबल हूँ, बात करूँगा आप लोगों से, किसी ने कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। और जो फर्स्ट मई 2021, ठीक है जी, तो